हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. दिस इज अनिल के शर्मा और आज हम यूनिक्स या लाइनेक्स में यूनेम कमांड का प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे. बट इससे पहले आइए समझते हैं कि यूनेम कमांड का क्या यूज़ है. तो बेसिकली जो यूनेम कमांड है, यूनेम कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर. तो यूनेम कमांड क्या करता है, ये डिस्प्ले करता है बेसिक इन्फॉर्मेशन को, किसके बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके हार्डवेयर के बारे में. तो आप चाहे यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या फिर लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अगर कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर उस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हार्डवेयर है उस हार्डवेयर के रिगार्डिंग कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसके लिए यूनेम कमांड को यूज़ करते हैं. तो यूनेम इज द शॉर्ट नेम फॉर यूनिक्स नेम. तो यूनेम का यहाँ पे मतलब है यूनिक्स नेम. व्हेन यू एग्जीक्यूट यूनेम कमांड विदाउट एनी ऑप्शन, इट गिव्स द कोर ऑपरेटिंग सिस्टम नेम. जब आप यूनेम कमांड को डायरेक्टली यूनिक्स या लाइनेक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे एग्जीक्यूट करते हैं बिना किसी ऑप्शन के, तो ये क्या करता है, ये जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो उस ऑपरेटिंग सिस्टम का ये कोर नेम प्रोवाइड करता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का ये नाम प्रोवाइड करता है. तो इसके लिए हमें क्या करना है, यूनिक्स या लाइनेक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके हमें टाइप करना है यूनेम और इसके बाद एंटर प्रेस करनी है. तो ये जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो उस ऑपरेटिंग सिस्टम का ये नाम प्रोवाइड करेगा. तो आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं. तो ये हमारा लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है और रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स 6 का वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ. तो यहाँ पे जो है सिंपली मुझे ये चेक करना है कि मैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ. तो इसके लिए मैं टाइप करूंगा यूनेम और एंटर. तो यहाँ पे आया है लाइनेक्स, इट मीन्स कि मैं लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ. तो इस तरीके से यूनेम कमांड को यूज़ करके हम जान सकते हैं कि करेंटली जो है हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं. तो इसको क्लियर कर लेते हैं क्लियर कमांड से, CLEAR क्लियर एंटर. तो ये क्लियर हो गया. अब देखते हैं कि यूनेम कमांड का फर्स्ट यूज क्या है. तो यूनेम कमांड विद हाइफन ओ इज यूज टू डिस्प्ले ऑपरेटिंग सिस्टम नेम इन स्लाइट डिटेल एज कंपेयर टू सिंपल यूनेम कमांड. तो सिंपल यूनेम कमांड क्या करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का ये नाम प्रोवाइड करता है. बट यूनेम कमांड के साथ जब हम हाइफन ओ यूज करते हैं तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्लीट नेम प्रोवाइड करता है. तो इसके लिए हमें क्या करना है, वही यूनिक्स या लाइनेक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर के हमें टाइप करना है यूनेम और इसके बाद स्पेस देना है हाइफन ओ और इसके बाद एंटर प्रेस करनी है. तो ये बताएगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्लीट नेम ये डिस्प्ले करेगा. तो इसको भी करके देखते हैं. तो सबसे पहले हम पहले यूनेम कमांड को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं. तो ये मैंने एग्जीक्यूट किया, तो ये बता रहा है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो. तो यहाँ पे शो कर रहा है ये लाइनेक्स, तो मैं लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ. बट इस यूनेम के साथ स्पेस और फिर हाइफन ओ और एंटर, तो ये बता रहा है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्लीट नेम क्या है. तो GNU/Linux ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा नाम है. इसको क्लियर कर लेते हैं, ये क्लियर कर दिया मैंने. तो ये था यूनेम कमांड का फर्स्ट यूज. अब देखते हैं यूनेम कमांड का सेकेंड यूज क्या है. यूनेम कमांड का जो सेकेंड यूज है वो है, इट इज़ यूज टू शो द टाइप ऑफ प्रोसेसर इन ऑपरेटिंग सिस्टम. तो
जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो, यूनिक्स का या फिर लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये बताएगा कि उसमें प्रोसेसर का टाइप कौन सा है, दैट मीन्स कौन सा प्रोसेसर है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यूनिक्स या लाइनेक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके हमें टाइप करना है यूनेम, इसके बाद स्पेस हाइफन पी। तो इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे यूनेम स्पेस हाइफन पी, तो ये प्रोसेसर का नाम बताएगा। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैं यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें जो प्रोसेसर है वो है i686 का प्रोसेसर है। तो क्लियर कर लेते हैं क्लियर कमांड से, ये मैंने क्लियर कर दिया। तो ये था यूनेम कमांड का सेकेंड यूज़। अब देखते हैं कि यूनेम कमांड का थर्ड यूज़ क्या है। तो इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द वर्जन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो उसका वर्जन जानना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूनिक्स या लाइनेक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके हमें टाइप करना है यूनेम स्पेस, और इसके बाद हमें टाइप करना है हाइफन आर। तो आइए इसको भी करके देखते हैं। तो मुझे मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है वर्जन जानना है, तो मैं टाइप करूंगा यूनेम स्पेस हाइफन आर एंटर। तो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम का ये वर्जन है। क्लियर कर लेते हैं क्लियर कमांड से। तो ये था यूनेम कमांड का थर्ड यूज। अब देखते हैं कि यूनेम कमांड का फोर्थ और लास्ट यूज क्या है। तो इट इज़ यूज टू प्रिंट नेटवर्क नोड होस्ट नेम। तो होस्ट नेम के बारे में आपने सुन ही रखा होगा, तो उस होस्ट नेम को प्रिंट कराने के लिए भी हम यूनेम कमांड को यूज करते हैं। तो इसके लिए सिंपली क्या करना है, यूनिक्स या लाइनेक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर के हमें टाइप करना है यूनेम, इसके बाद स्पेस हाइफन एन, तो ये होस्ट नेम डिस्प्ले करेगा। तो इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे टाइप करेंगे यूनेम हाइफन यूनेम स्पेस हाइफन एन, तो ये होस्ट नेम बताएगा। लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन, ये होस्ट नेम है। क्लियर कर लेते हैं, ये क्लियर कर दिया मैंने। तो इस तरीके से हमने देखा यूनेम कमांड के चार यूज़ कौन-कौन से हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।